आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आपने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लो। और आज संडे है, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब शाम हो रहा है तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ पहले एक्सपो, वहाँ मेरी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, नबील की कर दी थी बदतमीजों ने और मेरी नहीं की है, तो इसलिए मैं अपनी करवाने जा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी JDC, वहाँ पे कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं बहुत सारे। वो JDC बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं पिछले साल भी गई थी और इस साल भी मैं जा रही हूँ। वहाँ देखती हूँ कि क्या क्या आया है और क्या नहीं आया, तो आपको भी दिखाती हूँ वहाँ जाके। और अगर आप वहाँ नहीं गए तो वहाँ जाके आप भी विज़िट करो, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगता है जब कोई अच्छा काम करता है तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो चलो चलते हैं। ये मैं पहुंच गई हूँ और सबसे पहले गेट से एंटर होते ही ये ऑस्ट्रेलियन गायें थी और लाइन से सारी ऑस्ट्रेलियन गायें थी। ये लोगों ने जो कुर्बानी के लिए दी हुई है यहाँ पे JDC को, JDC शुरू से ही कुर्बानी के टाइम लोगों को गोश्त तकसीम करते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो नहीं ले पाते हैं पूरे साल गोश्त, तो उनका भी हक है गोश्त खाने का। और अच्छा अच्छा जो अच्छा खाना खाने का गरीबों का भी हक है, तो JDC सबको गोश्त देते हैं और बहुत अच्छा काम है ये। ताकि जैसे बकरीद में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बकरीद लाइक बारबेक्यू वगैरह, वो लोग भी करें। तो ये वाली जो गायें हैं वाइट कलर की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मासूम लग रही थी गाय ये वाली। और मैंने इसको हाथ भी लगाया, इसने मुझे मारा नहीं, मतलब हिली नहीं, बहुत अच्छी गायें हैं। और यहाँ पे एक ये वाइट कलर की थी और इसके साथ जो थी ये गुस्से वाली थी, और ये दो वाइट गायें थी, अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे एक बकरा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे किसी ने भैंस भी दी हुई है कुर्बानी के लिए, ये मुझे नहीं पता किसकी है। और ये बकरा बहुत अच्छा है, इसकी सींगें बहुत बड़ी बड़ी हैं। और यहाँ पे एक दुम्बा है और एक गाय यहाँ पे है, और यहाँ पे दो ऊँट भी हैं और बहुत अच्छे ऊँट हैं। वो ऊँट मैंने सुना था, उसका मैंने पूछा था, तो ये है पिज़्ज़ा हट के ओनर का है और एक हवेली रेस्टोरेंट के ओनर का है। ये ऊँट आए हैं तुर्की से, और इसकी जो पीछे जो क्या बोलते हैं जो भी पीछे होता है ना इसके, वो दो हैं। और ये तुर्की से मंगवाए हैं, तुर्की से अफगानिस्तान ये पैदल आए हैं, फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पैदल आए हैं, उसके बाद फिर गाड़ियों में से लेकर आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे, अल्लाह सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। और यहाँ पे एक पिछले साल एक गाय थी छोटे कद की, इस साल नहीं है, अभी तो एक महीना रखा हुआ है बकरीद को, तो पता नहीं आती है। और एक ये बकरा था, ये बहुत अच्छा लग रहा था, ब्राउन कलर का। और एक ये दुम्बा, इसको बिल्कुल अलग बांधा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि ये दुम्बा सबको मार रहा था, गुस्से में था ये दुम्बा पता नहीं क्यों, तो इसलिए सब इसे सबसे अलग रखा हुआ था। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये देखी कि ज़फ़र अब्बास भाई यहाँ पे मौजूद थे और वो सब देख रहे थे, अपने गार्ड के साथ थे, लेकिन सब देख रहे थे कि इंतज़ाम वगैरह अच्छा लगा कि वो सबके साथ यहाँ खड़े हैं, लाइक कोई मतलब वैसी बात नहीं थी, अच्छा लगा देख के। और अब मैं जा रही हूँ घर, तो एंड में मैंने ये देखा ये गाय सो रही है,
तो इसलिए मैंने इसे शूट कर लिया। तो ये सो रही थी, इन्हें नींद आ रही थी और शोर की वजह से और रश की वजह से ये डिस्टर्ब हो रही थी, जैसे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं शोर और रश की वजह से। तो ये गाय भी डिस्टर्ब हो रही थी, बार बार नींद से ये गिर रही थी। तो अब मैं घर जा रही हूँ, बस आज इतना ही जानवर आए थे। अगर अगली मतलब कुछ दिनों में नए जानवर आए तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं घर वापस आ गई हूँ, वहाँ अभी तो इतना मतलब इतने ज़्यादा नहीं आए हैं जानवर। वहाँ आपने जितने भी जानवर देखे सब ने अपने अपने हिस्से का दिया हुआ है। जो ऊँट थे वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये पिज़्ज़ा हट और हवेली रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं उन्होंने दिए हैं ये, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने अपने हिस्से के जानवर दिए हुए हैं। ये इस तरह के जो अच्छे काम करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको देख के उनसे इंस्पायर होके बहुत अच्छा लगता है। तो यही तक था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा प्यार रखिएगा।